स्टूडेंट, आज आपके सामने हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये आगे भी जितने सालों तक आप मैथ पढ़ेंगे सब जगह काम आएगा और आपके लिए एक नया चैप्टर है। इसको आपने आज फार्मूले बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं और इनको बार बार अपने कॉपी पे लिख कर देखना है। कम से कम 3-4 बार लिखोगे फिर ये फार्मूले याद पाएंगे। सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा, इसे बोलना भी सीखो। साइन थीटा ये होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। दूसरे नंबर पर होता है हमारा कोस थीटा, ये होता है हमारा बेस बटा में हाइपोटेन्यूज। तीसरे नंबर पर होता है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने इसको याद करने का आपके लिए एक फार्मूला बनाया है। ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले नंबर पर है साइन थीटा, पंडित से बन गया पी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, हर से बन गया एच, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये बन गया आपका साइन थीटा। बद्री, बद्री से बन गया बी, बी का मतलब बेस, हर से बन गया एच, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये बन गया कोस थीटा। और प्रसाद से बन गया पी, परपेंडिकुलर, बोले से बन गया बी, बेस, ये हो गया टेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब इसका कन्वर्स, इसके उल्टे, साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कोसिकेंट थीटा। इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाता है, परपेंडिकुलर नीचे। कोस थीटा का उल्टा होता है सिकेंट थीटा, इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे। टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, इसमें बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। पहले हमने 3 याद करने हैं, तो 3 को हम उल्टा कर देंगे तो वो 3 अपने आप ही याद हो गए। अब हमारे अगले फार्मूले याद करने आपने, जो बार बार एक्सरसाइज में यूज होंगे। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। इसी से आप लोग निकाल सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। कोस स्क्वेयर थीटा अगर आपको चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। सिमिलरली अगला फार्मूला, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। इसी से आप निकाल सकते हैं कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, तो माइनस कोट स्क्वेयर थीटा को उधर ले जाएंगे, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगी हमारी कोट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू। जिस भी वैल्यू की आपको जरूरत हो वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा 1 ओवर सिकेंट थीटा के बराबर होता है। टेंजेंट थीटा 1 ओवर कोट थीटा के बराबर होता है। टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर भी होता है। कोट थीटा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। कोट थीटा कोस थीटा बटा में साइन थीटा के बराबर भी होता है। इसके बाद हम फार्मूले यही याद करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कोस थीटा के बराबर। कोस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा के बराबर। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये होता है कोट थीटा के बराबर। कोट 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा टेंजेंट थीटा के बराबर। सिकेंट 90 माइनस थीटा, ये होता है कोसिकेंट थीटा के बराबर। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा सिकेंट थीटा के बराबर। तो ये हैं बच्चों आपके ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूले, जो हमारे चैप्टर में, 8th चैप्टर में बार बार यूज होंगे। इनको आज आपने बार बार अपनी कॉपी पर लिखना है
बोल बोल के देखना है, इनके नाम बोलने आने चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाद में फिर हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। दैट्स